Assalamualaikum students, I hope all of you will be fine. Today we will start our lecture number 1 of solvent extraction. First of all, we will introduce the solvent extraction. Students, solvent extraction jo hai, iska naam दूसरा नाम जो है इसे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है. जैसा कि दूसरे सेपरेशन के मेथड्स हैं जैसे क्रोमेटोग्राफी है, इसी तरह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. स्टूडेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वर्सटाइल एंड पॉपुलर मेथड ऑफ सेपरेशन. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और वर्सटाइल मेथड है. किसका? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का. एक्सट्रैक्शन, स्टूडेंट, आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई भी सॉल्वेंट्स जो हैं उन्हें जब हम सेपरेट करते हैं, कोई भी चीज़ सेपरेट तभी चीज़ होती है ना जब जब कोई चीज़ मिक्स हो. तो जो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मिक्स फॉर्म में मिल रही हैं अर्थ में, तो उन वो इम्प्योर फॉर्म है. उनमें और भी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं. तो उन्हें जो सेपरेट करने का जो तरीका, उन्हें सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए गए हैं. उनमें से एक जो है वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी है. स्टूडेंट, मेन रीज़न फॉर इट्स यूजफुलनेस इज़ दैट द सेपरेशन कैन बी कैरीड आउट ऑन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल. इसमें सेपरेशन जो होती हैं वो स्टूडेंट एक छोटे पैमाने पर भी की जा सकती हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर भी सेपरेशन की जा सकती हैं. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, दिल लगा कर समझिएगा. ओके स्टूडेंट, दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस बाय सिलेक्टिव ट्रांसफर बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेजेज. जो इसमें जो सेपरेशन की जाती है उसमें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमारे पास वाटर और ऑयल है तो वो दोनों चीज़ें जो है इमिसिबल हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं बिल्कुल भी नहीं होंगी. आप इसे करके देख लें. आप एक ग्लास लें, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और एक दो चम्मच आप उसमें ऑयल डाल लें, तो आप देखेंगे और उसे फिर आप शेक करें तो ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा बल्कि वो ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा. इसी तो वो जो अब दोनों चीज़ें हैं तो मिक्स, लेकिन उन्होंने आपस में लेयर बनाई हुई है. इट मीन्स कि दीज आर नॉन पोलर. और फिर इन्हें अगर हमने सेपरेट करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो ये हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. हर चीज़ का प्रिंसिपल होता है ना, तो एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट? द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सॉल्यूट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट सेल्फ. सॉल्यूट अपने आप को खुद डिस्ट्रीब्यूट अलग कर लेता है इन सर्टन रेशो, एक मखसूस रेशो में, बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म एंड वाटर. मैंने आपको पहले वाटर और ऑयल की एग्जांपल दी है, इसी तरह स्टूडेंट इसमें क्लोरोफॉर्म और वाटर के बारे में भी बताया हुआ है. ठीक है, दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस बाय सिलेक्टिव ट्रांसफर बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेसेस. द पर्पज ऑफ एन एक्सट्रैक्शन द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज टू फिजिकली सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाई एक्सप्लोइटिंग डिफरेंसेज इन देयर रिलेटिव सोलिबिलिटी इन टू इमिसिबल लिक्विड्स और बिटवीन देयर अफिनिटीज. द प्रिंसिपल फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ सोल्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेजेज आर इट्स पोलैरिटी एंड पोलैरिटी ऑफ ईच फेज. स्टूडेंट, जो इसका जो बेसिक फैक्टर है, जो प्रिंसिपल फैक्टर है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो इसमें जो सेपरेशन होती है वो पोलैरिटी पे डिपेंड करती है.
जितनी चीज़ें पोलर होंगी वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर चीज़ें आपस में नॉन पोलर हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलर होंगी स्टूडेंट, अगर चीज़ें नॉन पोलर हैं एंड शो नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट अगर वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं तो वो तो फिर पोलर हो जाएंगी, और पोलर चीज़ों को सेपरेट करना कोई आसान काम नहीं होता। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है उसमें इमिसिबल चीज़ें, इमिसिबल जो आपस में ना हल पजीर हो लेकिन मिक्स हो, उन्हें सेपरेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो वो इसका जो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल वो क्या है कि एक तो चीज़ें नॉन पोलर होनी चाहिए और ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें कम होगी। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉन पोलैरिटी शो करेंगी तो उन्हें सेपरेट करना इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और या लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर्स यूज़ नहीं होते, ना ही कोई बड़े बड़े ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इसमें सिंपली सेपरेटरी फनल यूज़ होती है। ये स्टूडेंट जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये सेपरेटरी फनल है। सेपरेटरी फनल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूट्स, सॉल्वेंट्स को डाल दिया जाता है और उसमें उन्हें शेक किया जाता है और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। स्टूडेंट जो इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सेपरेटरी फनल का, उसे कॉर्क कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जब आप एक एक सोल्यूट को आप नीचे किसी और बीकर में निकाल लेंगे तो यहाँ से आप बंद कर दें, ऊपर ऑयल रह जाएगा। मैंने आपको पहले भी ऑयल और वाटर की एग्जांपल दी थी। स्टूडेंट आप वाटर लें और ऑयल लें, सेपरेटरी फनल में डालें और उसे शेक करें और फिर देखेंगे कि दो लेयर्स बन गई हैं, ऑयल की अलग लेयर बनी है और वाटर की अलग लेयर बनी है। और स्टूडेंट फिर आप इसे दोनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट अलग अलग और बर्तनों में या बीकर्स में डाल सकते हैं। यही तो होता है स्टूडेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये कोई मुश्किल जो है फॉर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये सेपरेटरी फनल आपको फिर यहाँ पे शो किया गया है और बताया गया कि इट इज़ अ सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और बस एक ही आपके पास अपरेटस होता है जिसे आप सिंपली यूज़ करके मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ ये स्टूडेंट एग्जांपल दी हुई है इसकी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है, इन्होंने इसे बीकर में डाला है और दोनों ने अलग अलग लेयर बनाई है। स्टूडेंट आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं और फिर इन्हें हम बीकर के अंदर पोर कर सकते हैं और बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको ये मिलेगा। स्टूडेंट आपको पता है ये जो हमारे पास जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं या फिर ऑयल की होती है फिल्ट्रेशन होती है, तो स्टूडेंट वहाँ पर भी ये वाले प्रोसीजर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, सम एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इफ़ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग आयोडीन, अगर हम एक एक्वा सोल्यूशन लें और उसमें आयोडीन है साथ में सोडियम क्लोराइड है, इसे आप शेक करें विद हाइड्रोकार्बन और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के साथ, द आयोडीन बिंग अ कोवलेंट मॉलिक्यूल विल बी एक्सट्रैक्टेड लार्जली, क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है वो बहुत जल्दी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इनटू ऑर्गेनिक फेज व्हाइल इट्स कम्प्लीटली आयनाइज एंड हाइड्रेटेड, सोडियम क्लोराइड विल रिमेन इन द एक्वा सोल्यूशन, जबकि सोडियम क्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा पोलर है, वो जल्द मिक्स हो जाती है
आयनिक कंपाउंड है और उसे एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं होता। सिमिलरली स्टूडेंट, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। इफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ वीकली पोलर विटामिंस, अ ड्रग्स एंड हाईली पोलर शुगर इज पास थ्रू अ हाइड्रोकार्बन मॉडिफाइड सिलिका सॉल्वेंट विच हैज नॉन पोलर सर्फेस, द विटामिंस और ड्रग्स विल बी रिटेन्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉल्वेंट व्हाइल द शुगर पास थ्रू। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल किस्म का एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट इज यूज एज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ डिजोल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉल्वेंट। मुख्तलिफ चीज़ें जो आपस में डिजोल्व होती हैं उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। द कॉमन सॉल्वेंट विच इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन आर डाइथाइल ईथर, बेंजीन, और मैंने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह भी बताए हैं। गुड सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन शुड सेटिस्फाई टू इंपॉर्टेंट कंडीशन। टू कंडीशन है स्टूडेंट, अगर आपको ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। द सब्सटेंसेस टू बी एक्सट्रैक्टेड शुड बी हाईली सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट। जो चीज़ हम उसे सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के अंदर हाईली सॉल्यूबल होनी चाहिए। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन द सॉल्वेंट शुड बी इजिली सेपरेटेबल फ्रॉम द सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट से बहुत जल्द सेपरेट हो सके। स्टूडेंट, आपको ये तमाम टर्म्स समझ आ गई होंगी। मेरा ये ख्याल था कि मैं आप लोगों को पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स वगैरह के बारे में बता दूं, क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती हैं और इसलिए उन्हें पूरा लेक्चर समझ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूट क्या होता है? प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? एंड सॉल्यूशन क्या होता है? ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो फिर आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। थोड़ा सा कलरफुल कर लें ताकि आपको याद रहे। स्टूडेंट, सॉल्यूट वो होता है जिसकी सॉल्यूशन में बहुत ही कम मिकदार हो, जिसकी सॉल्यूशन में बहुत ही कम मिकदार हो। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की निस्बत ज़्यादा होती है और वो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। और सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप इसे कमेंट में लिख दें, मैं ज़रूर आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ये हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1 था। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।